सरकार से सब मिल रहा है यार, उनसे थोड़ी मिल रहा है मोदी जी से, केंद्र सरकार सब दे रही है राशन। मोदी जी से नहीं मिल रहा है मेरे भाई, केंद्र सरकार से सब मिल रहा है राशन। ठीक है, केंद्र सरकार में कौन है? केंद्र सरकार में कौन है तुमको नहीं मालूम है? केंद्र सरकार में कौन है बताइए कौन है? नहीं मुझे नहीं मालूम। काम हो चाहे ना हो देना है मोदी को, बाकी चाहे काम हो चाहे ना हो। राष्ट्रीय मुद्दा लोग देख रहे हैं, लोकल मुद्दा नहीं। हम सब भैया अगर मोदी को दे तब हाथी के नाव हुई। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। NMF न्यूज की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है मछली शहर लोकसभा में, जो जौनपुर जिला में आता है। और आपको बताते चले कि यहां से जो चुनावी माहौल है वो बड़ा ही दिलचस्प है। पूरे देश भर में आपने अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों को, अलग अलग जात बिरादरियों को, अलग अलग पार्टियों से देखा होगा। लेकिन भाई मछली शहर सीट की कहानी बड़ी अलग है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो तीनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो एक ही जाति बिरादरी के हैं। यही वजह है कि लड़ाई एकदम कांटेदार है, मामला फंसा पड़ा है। ना भाजपा यहाँ पर जीतती नजर आ रही है, ना बसपा जीतती नजर आ रही है, ना सपा जीतती नजर आ रही है, क्योंकि तीनों जो बिरादरी है वो एक ही है तीनों प्रत्याशियों की। और ऐसे में जो बिरादरी है वो कहीं ना कहीं इधर उधर टुकड़ों टुकड़ों में अपना मत करेगा। बात की जाए तो कृपा शंकर सरोज जो कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से नजर आ रहे हैं, भोलानाथ सरोज भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहे हैं, वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से सपा ने यहाँ पर प्रिया सरोज को मैदान में उतारा है। 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत तो मिली थी, लेकिन बड़ी कठिन लड़ाई थी। सबसे कम मार्जिन की जीत थी, 181 वोट से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। और इस बार भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही होगा। तो कहानी क्या कुछ है ये यहाँ की जनता बताएगी। और इस वक्त मैं मछली शहर लोकसभा सीट के मुख्य जगह पर हूँ, यानी शहरी जगह पर हूँ, जहाँ अगर आप देखेंगे तो सुबह का वक्त है, करीब 10:30 का समय हो रहा है और यहाँ पर लोग घूम टहल रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि माहौल क्या कुछ है मछली शहर का, कि यहाँ से किसकी जीत हो रही है। बाबा क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है, तबीयत तो ठीक है। ये बताइए मछली शहर में लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, देश भर का माहौल एक अलग है लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो अलग लेवल की नजर आ रही है। तीनों एक ही बिरादरी के नेता हैं। बिरादरी से नहीं मतलब, इधर आ जाइए, फेस कर लीजिए, हाँ इधर इधर इधर, हाँ बिरादरी से मतलब नहीं है। अच्छा, तो लड़ाई किसकी लग रही है यहाँ पर? भाई हमारे हिसाब से तो यहाँ बीजेपी रहेगी। बीजेपी आपके हिसाब से रहेगी? पिछली बार मार्जिन 181 वोट का था, सिर्फ 181 मतलब चाहे जो हो, हाँ लेकिन लेकिन यहाँ पर बीजेपी रहेगी, निकाल ले जाएगी सीट। अरे राष्ट्रीय मुद्दा लोग देख रहे हैं, लोकल मुद्दा नहीं। लोकल मुद्दा नहीं देख रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है शायद कि जनता लोकल मुद्दा ज्यादा, लोकल मुद्दा कुछ नहीं, लोकल मुद्दा नहीं देख रही है। क्या विकास हुआ है, कैसा है आपका मछली शहर? तो अब आप इसी रोड को देखिए, बिल्कुल काफी अच्छा है। और कम से कम एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर जी ये रोड देख ही रहे हैं, बिल्कुल शानदार रोड है। और जितने रोडे हैं सब चमक, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दा जो विदेशों में भारत की छप बनी जी, या और किसी सरकार में ऐसी छप थी नहीं। ये है कि जो बीजेपी कर रही है वो शायद किसी सरकार ने नहीं किया, नहीं किया। और यहाँ की जनता जो है खुश है, खुश है, अमन चैन से रह रही है, न गुंडागर्दी हो रही। गुंडागर्दी अगर कहीं भी हो रही 24 घंटे अंदर कार्रवाई। शांति है, माहौल शांति है जी। क्या हाल है चाचा? किस चीज का? क्या माहौल है इस सीट का? माहौल हाथी निकल रही है, हाथी निकल रही है, हाथी निकल रही है। अच्छा, बाबा तो कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा निकल रही है। नहीं, यहाँ हाथी निकलेगी, यहाँ हाथी निकलेगी, निकलेगी हाथी। तो पिछली बार तो 181 वोट से निकला था, बंपर वोट से, और क्या सुंदर सिंह निकल रहे हैं। ये बताइए कि लड़ाई तो यार यहाँ लगी है, तीनों एक ही बिरादरी के हैं तीनों कैंडिडेट। हाँ लेकिन हाथी चल रही है आगे, हाथी चल रही है। हाँ चाची, हाथी चल रही है क्या? हाँ भैया, हम सुबह हाथी कोरी है, हाथी चलत बा। कहे मोदी जी कुछ काम नहीं के लेगा? मोदी की योजना योजना मिलता है कि नहीं मिलता है आपके? हम सब भैया अगर मोदी को दे तब हाथी के नाव हुई। अच्छा, मतलब ऐसे अच्छा हम सब अपन पार्टी का ही छोड़ी। देखिए ये चाची कह रही है कि अगर हम वोट बीजेपी को दे भी देते हैं तो लोग यही सोचेंगे कि हमने मायावती को दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है चाची। अब पहले वाला सोच होता था, अभी ऐसा नहीं है। लोग मतलब अभी भी लोग यादव को सोचेंगे, अखिलेश वाले हैं, सपना देखते हैं। लाभ फायदा के सरकार में हमको लाभ मिल रहा है, जात यहाँ लोग ज्यादा देखते हैं, जात यहाँ देखते हैं, सही कह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बिरादरी है, कौन सा लाभ है, कौन सा लाभ नहीं मिला, क्या नहीं मिल रहा है बताइए, क्या नहीं मिल रहा हमको सब। एक भैया हम सब अपने पार्टी फई लाभ तो देखिए, सरकार तो सबके लिए बराबर का काम कर रही है, सबको एक बराबर योजना के तहत दे रही है, राशन सब जात को मिल रहा चाहे वो कोई भी बिरादरी हो।
राशन केंद्र सरकार से मिलेगा। केंद्र सरकार से सब मिल रहा है यार, उनसे थोड़ी मिल रहा है मोदी जी से, केंद्र सरकार सब दे रही है राशन। केंद्र सरकार में कौन है? केंद्र सरकार में कौन है तुमको नहीं मालूम है? केंद्र सरकार में कौन है बताइए, कौन है? नहीं मुझे नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं मोदी जी से मिल रहा है? मोदी जी से नहीं मिल रहा है मेरे भाई, केंद्र सरकार से सब मिल रहा है राशन। ठीक है, तो कौन चला रहा है केंद्र? मुझे नहीं मालूम कौन चला रहे है। अच्छा हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं केंद्र सरकार दे रही है लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ये पहली बार। हाँ दोस्त, क्या नाम है? सचिन पटेल। पटेल भाई क्या माहौल है इस सीट का? ठीक है, हम तो बाहर से हैं। हाँ। देश का माहौल क्या है, मोदी जी वाला है? हाँ, 400 पार तो नहीं हो जाए। 400 पार है, कुछ सुनाई दे रही है 400 पार की, लेकिन कुछ गलतियां हैं बीजेपी की भी। हाँ। क्या गलतियां दोस्त? जैसे पेपर लीक हो जाता है। हाँ। कोई पेपर होता है तो लीक हो जाता है। हाँ। उसके बाद वैकेंसी आती है। हाँ। तो पेपर 4 साल में 3 साल में हो रहा है, ये मसला है। क्या करते हो आप, पढ़ाई वगैरह करो क्या? हाँ, एस एस सी की तैयारी करो। हाँ, तो ये आप लोग, आपके लिए बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। क्या नाम भैया आपका? गुलाब चंद जायसवाल। जायसवाल भैया, क्या लड़ाई है यहाँ पर, किसकी है? बीजेपी जीते। बीजेपी जीत रही है? हाँ, लेकिन पिछली बार 181 वोट से सिर्फ जीत हुई थी। 181 वोट से जीते। अच्छा। हाँ, इस बार 281। हाँ, 100 वोट बढ़ा दिया। बढ़ा दिए। अच्छा, तो काम हम हुआ है, बढ़िया माहौल है यहाँ। काम हो चाहे ना हो, देना है मोदी को, बाकी चाहे काम हो चाहे ना हो। काम हो चाहे ना हो, तो मोदी कितने बड़े भक्त कब से बन गए? जब से पैदा भरे हैं। अच्छा, आपका ही साल भरा हो? 32 साल। 32 साल आपके डबल है ही हम। हाँ, बाकी होकर आगे जोड़ ला आप। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गौतम। क्या माहौल है मछली शहर का? बहुत अच्छा है। किसकी तरफ लड़ाई है? लड़ाई है तीनों त्रिकोणी लड़ाई है हमारे यहाँ जी, तीनों एक ही बिरादरी के ऊँट। हाँ, इसलिए त्रिकोणी लड़ाई है। लड़ाई बड़ी कांटेदार, पिछली बार भी बड़ा गजब का माहौल था। वो तो गजब का था, 81 वोट हो गया था। हो गया था। हाँ, इस बार क्या लग रहा है, फिर भी तीनों में से कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? मजबूत तो तीनों है। तीनों है? हाँ, तीनों है, अपने अपने लिए तीनों लड़ाई बढ़िया लड़ेंगे। अच्छा, और कोई ये भरोसा नहीं कि कौन जीतेगा? हाँ, जिसका ये तो जनता है, जिधर घूम गए उधर वो निकल जाए। केंद्र में काम कैसा चल रहा है मोदी जी का? बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई टक्कर में नहीं है? हाँ, कोई टक्कर में नहीं है उनके? टक्कर में क्या, सब रोड पे आ जाएंगे। हाँ, इस बार अगर वो जीत जाएंगे तो रोड पे टहलेंगे हम लोग कटोरा लेके। अच्छा अच्छा, क्या नाम भैया? राजमल पटेल। कैसा माहौल है यहाँ पर अभी? हाँ, माहौल ठीक है भाई। किसकी तरफ लड़ाई है? तरफ हम लोग तो भाई बीजेपी की तरफ हैं। अच्छा, और अब कोई क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता है, हम बीजेपी की तरफ हैं। हम बीजेपी की तरफ। यहाँ बीजेपी निकल रही है? हाँ, यहाँ से निकल जाएगी। लड़ाई त्रिकोणीय है? हाँ, त्रिकोणीय है, कांटेदार भी है। हाँ हाँ हाँ, अब कौन कहाँ कहाँ जाएगा ये नहीं पता? ये हमें नहीं पता है, लेकिन बीजेपी ज्यादा बहुमत यहाँ पे है। हाँ, चाचा क्या नाम है? राजन फास पटेल। ऐसा माहौल है मछली शहर का? मछली शहर का माहौल अच्छा है। इसकी जीत हो रही है? अब जीत तीनों लड़ रहे हैं, कोई जीत जाए कोई जीत जाए। कैसे कैंडिडेट हैं तीनों, अगर पूछूं मैं तीनों के बारे में, कैसा माहौल है? सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया, तीनों अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो है माहौल सही काटेदार।